वाहवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नाम तो सुना होगा। अब उसी का ही रिक्रूटमेंट निकला है। बीटेक वाले और एमएससी वाले एलिजिबल हैं, खूब सारे ब्रांच एलिजिबल हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। बिना गेट का हो सकता है, गेट का भी हो सकता है। एक ऐसा आपका एग्ज़ाम है जिसके फाइनल सिलेक्शन में एग्ज़ाम का कोई रोल नहीं रहता है। वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो सारे एलिजिबल हैं। शर्त इतना है, अगस्त तक आपके पास डिग्री होना चाहिए, तब आप इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस की ओर जा सकते। तो बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बट गारंटेड एम्प्लॉय मिलता है, जॉब गारंटेड है। बिकॉज ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ही आपको 56,000 पर मंथ मिलता है। उसमें आपको और भी फैसिलिटीज़ मिलते हैं, पर्क्स हैं, वन टाइम पर्क्स हैं, पर ईयर पर्क्स हैं, बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग प्रोग्राम यू विल ऑप्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका सैलरी हो जाता है 1,20,000 पर मंथ का, ठीक है। सो आइए जानते हैं पूरा डिटेल में। तो बार का भी रिक्रूटमेंट निकला है इसका, ठीक है। तो किस चीज़ का रिक्रूटमेंट है? साइंटिफिक ऑफिसर्स का। किस में? DAE में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये सुन के ही मजा आता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, राइट? तो इसमें काम है। तो चलिए देखते हैं आगे। और एक चीज बताऊंगा आपको, पूरा आपको नॉलेज मिलेगा, पूरा इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेनिंग स्कीम में बेसिकली, ठीक है। तो इसमें इन जनरल किस किस टेक्नोलॉजी में काम करेंगे आप? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस, उसके बाद न्यूक्लियर पावर, रिसर्च रिएक्टर्स एंड फिजिक्स, बायोसाइंस, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये सारे फील्ड में आपका काम है। मेनली जो भी चीज़ रिलेटेड है आपका DAE से, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से, एटॉमिक एनर्जी से, उससे है। इसमें दो बेसिकली आपका कोर्स है, एक ओरिएंटेशन कोर्स है OCES, और एक क्या आपका MTech बोल सकते हो, DZFS, मतलब DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है। कितना परसेंट टच चाहिए होता है ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए? 50% चाहिए होता है, ठीक है। उसमें आप कंप्लीट होते हो, फिर आपको जॉब मिल जाता है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप देख पा रहे हैं, ABCD करके आई तक है। इनमें आपका ट्रेनिंग होगा, और आप इसमें एक MTech प्रोग्राम भी है, उसमें आपको सब कुछ फ्री रहता है, और प्लस स्टाइपेंड भी मिलता है पर मंथ का। और MTech किस कहाँ से करेंगे आप? होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तो इसमें 2 साल का बेसिकली आपका फेलोशिप होता है। ये जो फेलोशिप किसकी बात कर रहे हैं हम, DZFS का फेलोशिप, और इसमें MTech DZFS फेलोशिप मिलता है। गैजेटेड ए ऑफिसर बन जाते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आप समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, स्टाइपेंड कितना मिलता है? 55,000 पर मंथ मिलता है फॉर 2 ईयर्स जो MTech कर रहे हैं, ठीक है। और OCES TSO आर पेड स्टाइपेंड पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ट्रेनिंग फॉर वन टाइम बुक एलवेंस। तो उनका ट्रेनिंग पीरियड जितना चलेगा उसके हिसाब से मिलता है, और वन टाइम मिलता है 18,000 रुपया। और जो MTech करेंगे, ठीक है, सो DZFS वाला जो हिसाब किताब है, 55,000 मिलेगा, और 20,000 पर एनम फॉर 2 ईयर्स मिलेगा बाकी एक्सपेंसेस के लिए, प्रोजेक्ट रिलेटेड काम के लिए। प्लस इसमें क्या मिलता है आपका? बॉन्ड होता है 4 लाख का, भाई पहले बता देता हूँ। पे स्केल क्या होगा? लेवल 10 होगा। बेसिक कितना होगा आपका? 56,100। 7 पे सेंट्रल पे कमीशन मैट्रिक्स लगेगा। तो आपका पर मंथ कितना बन जाएगा? 1,20,000 पर मंथ बन जाएगा आपका, समझ रहे हो। और प्लस पर्क्स देखो, ये पर्क्स आपको हिला के रख देता है। अदर लीव अलाउंसेस सच एज लीव ट्रेवल कंसेशन बाय एयर, समझ रहे हो। अच्छा, एवरी ईयर अप टू first 8 ईयर सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड वंस इन 2 ईयर्स देयर आफ्टर। अच्छा, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, सब्जेक्ट टू अप्रूवल, रिवाइज टाइम टू मनी आर ऑल्सो पेएबल, ठीक है। उसके बाद एक कंप्रीहेंसिव कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम और इक्विवेलेंट फॉर द एम्प्लॉयज
एंड देयर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इज ऑल्सो अवेलेबल एट ऑल DA यूनिट्स. एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेवल फ्री. इससे बढ़िया पक्ष कुछ होगा कि आप एक बार सर्च करना यार, दिल्ली से मुंबई का फ्लाइट है कितना भी लगता है पैसा. सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. दो स्टेप है. पहले स्टेप में आपका रिटेन वाला काम है, उसमें तीन जगह से सिलेक्शन हो सकता है. एक गेट के जरिए, एक आपका क्या होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जरिए, ठीक है, रिटेन होगा पहला. दूसरा क्या होगा आपका गेट के जरिए, जो CVT एग्जाम होगा, दूसरा गेट के जरिए. तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर ऑफ CVS और नाइजर, बेसिकली MSc वालों के लिए होता है बिकॉज इसमें वो रिसर्च MSc करते हैं ना, उनके लिए है, समझ गया, उनके बेसिस पर होगा. अब एलिजिबल कैंडिडेट क्या करेंगे, बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए. यहां पर खास बात क्या, देखो बताऊंगा, आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. अब सिलेक्शन क्या होगा यहां पर देखिए, सिलेक्शन इंटरव्यूज ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड इन मुंबई होगा, ऑल एक्सेप्ट जियोलॉजी किस में होगा, हैदराबाद में होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ये तो पीरियड बता रहा है, टाइम देखो यहां पर, ये पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक होता है भाई, बहुत कम जगह पर ऐसे होते हैं, ये यूनिक चीजें हैं. वो क्या है, फाइनल सिलेक्शन फॉर द OCES या फिर DGFS 2024 के लिए प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड सोलली ऑन परफॉर्मेंस इन सिलेक्शन इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस चेक होगा. ए लिस्ट प्रोविजनली सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट. तो क्या होगा, किसके बेस पर होगा भाई, इंटरव्यू में पास इंटरव्यू फेल, वो सिर्फ स्क्रीनिंग मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट आप पास कर रहे हैं उसके बेस पर होगा. और क्या उसका रहेगा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप बोल रहे थे क्या मैं एलिजिबल हूँ, अगर फाइनल ईयर में हूँ एलिजिबल हो, BTEC हो आपका, MSc है चलेगा, तो BTEC BSc इंजीनियरिंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTEC विद अ मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए. और गेट कौन कौन सा इन्होंने पकड़ा है, 22, 23 और 24 जो होने वाला है उनको ले सकते हैं, कंसीडर किया जा सकता है. ये सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, एक्सेप्ट एक जगह पर एलिजिबल नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा. MSc इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे एलिजिबल हैं, खाली ये एलिजिबल नहीं है, BSMS 2+3 ईयर्स प्रोग्राम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ATC आर नॉट एलिजिबल, ये बता दिया, ठीक है. उसके बाद एंड ठीक है, ये सारे कोई भी एलिजिबल नहीं है ये सारे प्रोग्राम, मेरिन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंडस्ट्री, दोज हैविंग क्वालिफाइड इन ब्रांच लाइक एरोस्पेस, अच्छा, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मशीनरी इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, नहीं ये सारे एलिजिबल नहीं है भाई, ये कोई भी एलिजिबल नहीं है ब्रांचेस. MSc इन MCA कोई एलिजिबल नहीं है. तो बोलोगे एलिजिबल कौन है, तो एलिजिबल की बात करते हैं, यहाँ पर कौन से एलिजिबल है भाई, यहाँ पर देख लो, ओ ओ ओ ओ ये टेबल 1 पर दिखाया देगा एलिजिबल कौन है, उस पर जाएंगे लिस्टेड टेबल ए, टेबल पे दिखा दूंगा मैं कौन कौन सा एलिजिबल नहीं है भाई, ठीक है. अच्छा यहाँ पर आ जाइए, ये एग्जाम डिसिप्लिन PH टेबल 1B, तो यहाँ पर MSc ये एलिजिबल हैं स्टूडेंट, ये एलिजिबल हैं सारे भाई स्टूडेंट वाले MSc वाले, ठीक है. केमिस्ट्री फिजिक्स एलिजिबल हैं. उसके बाद मैं BTEC वाला बायोसाइंस डिसिप्लिन के लिए है, मैं BTEC वाला दिखाऊंगा आपको बिकॉज उसके बिना काम नहीं बनेगा. ओनली रेगुलर MSc, अच्छा यहाँ पर एक बात, ओनली रेगुलर MSc एलिजिबल, बाकी कोई भी एलिजिबल नहीं है. MSc बाय रिसर्च डिस्टेंस एजुकेशन पार्ट टाइम एलिजिबल नहीं है, 60% नंबर चाहिए, ठीक है. अच्छा यहाँ पर देखिए कौन कौन एलिजिबल है, यहाँ पर दिखाऊंगा. कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड हु मीट द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिस्टेड अबव आर एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड. इतना तो कहाँ पर अबव कर दिया भाई ये चीज़. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको टाइमिंग दिखाऊंगा. तो एज कितना है, 26 साल आपका एज होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड 500 रुपया फीस लगेगा आपका, ठीक है. और
इंपॉर्टेंट नोटिस कोई है यहाँ पर, हाउ टू अप्लाई वाला वेबसाइट जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है मुझे बोलना, वेबसाइट उसका वीडियो बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस चीज़ में। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जाके अप्लाई करेंगे, बेसिकली यहाँ पर सारे अपडेट यहीं पर मिलेगा बारगो CES एग्ज़ाम पर। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन है जो मेरे को आपको देना है? हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। हाँ, ये एग्ज़ाम पैटर्न देख लो, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, डेफिनेटली 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन गलत करे भाई भाई साहब क्या हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। 100 क्वेश्चंस होगा, ठीक है, एंड 120 मिनट में पेपर होगा आपका। और इसमें 100 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, सिर्फ टेक्निकल्स आएंगे, बाकी जैसे नहीं। जो भी अपना डिसिप्लिन चूज करा उसी से आया, किसी और से नहीं आएगा। जनरल इंग्लिश ये सब एप्टीट्यूड आर नॉट एसेसरी, ये सब नहीं आएगा भाई, ये सब चीज़ नहीं आने वाला। फिर टेक्निकल नॉलेज होगा आपका और कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर देख लो डिसिप्लिन वाइज कौन कौन से एलिजिबल हैं, टेबल 1A, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिकल, केमिकल, और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से एलिजिबल है। मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एलिजिबल है, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर और एक बात मैंने पढ़ा था कहीं, हाँ, कोई भी डिग्री किसने करा है, कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग डिग्री नेम इंक्लूड स्कोर डिग्री नेम ऑफ नेम विथ एनी स्पेशलाइजेशन। मान लो कोई CSE विथ डेटा साइंस करा वो एलिजिबल है, मान लो कोई मैकेनिकल विथ रोबोटिक्स करा तो एलिजिबल है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज आजकल बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्होंने दिया है, बिकॉज बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर फॉर्म भी नहीं भरते हैं, उन बेचारों को पता नहीं होता उसके बारे में, ठीक है। ये आपका कहानी हो गया। अच्छा, आगे आते हैं जी, ट्रेनिंग स्कूल ये रहा, ये सारे ट्रेनिंग स्कूल हैं। ओके, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारे एलिजिबल हैं, इसके बारे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मेरे को आपको बताना इंपॉर्टेंट डेट्स भाई। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 30 दिसंबर से लेके 2 जनवरी पब्लिशिंग है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक होगा। करेक्शन विंडो 16 से 18 फरवरी होगा, दो तीन दिन 16-18। उसके बाद ये इतने आपका क्या हो जाएंगे, अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद डाउनलोड करेंगे आप 19 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएगा 16-17 मार्च। उसके बाद गेट स्कोर अपलोड करना पड़ेगा 19 से 24 तक, फिर इंटरव्यू होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर एडमिशन अगस्त तक चलेगा भाई, कहानी है अगस्त तक, कहानी ख़त्म, फिर छुट्टी मारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी को चाहिए भाई डी बार के OCES मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल रिलेटेड कोई भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई कोर्स से मुझे बताना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत सारे सेंट्रल शूट के लिए, लाइक इसरो के लिए, PSUs के लिए हम प्रिपेयर करवा चुके हैं। तो टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए मुझे बताना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दैट। और एक प्रॉपर अच्छा सिलेबस कौन सा फॉलो करेंगे वो बता देता हूँ मैं। देखो यार, सिलेबस फॉलो करने का सिंपल तरीका है, आप गेट का सिलेबस फॉलो कर लो, दैट वुड बी मोर देन एनफ आई थिंक सो। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, वीडियो को पूरा शेयर कर दोस्तों के साथ ताकि उनको पता लगे इस रिक्रूटमेंट के बारे में, काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।